निकाल रहा है बहुत ही अच्छा। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपसे कोई प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों कैसे हैं, आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना प्यारा सा घर में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह देखिए हम लोग का आंगन का लिपाई हो रहा है। हाँ। अभी खुशी मम्मी लिप रही है पूरा अच्छा से, क्योंकि आंगन पूरा एकदम हरन उड़ गया है, एकदम कैसा दिख रहा है देखिए चूल्हे के सामने। और यहाँ पे खुशी और खुशी की दादी दोनों खेल रही है। खुशी खुशी देखिए दोस्तों अपन पूरा खेल रही है, और उस तरफ दादी बैठी हुई है। अभी महुआ का पेड़ तरफ गई थी उधर कौड़ी बीचने उधर से आके। तो ठीक है जी, आंगन लिपिए, हम थोड़ा जा रहे हैं उधर मक्का है, मक्का को पानी पटा देने। हाँ तो दोस्तों हम जा रहे हैं मक्का बारी, उधर बहुत काफ़ी ज़्यादा सूख गया है तो वही इसी को सिंचाई कर देंगे। दोस्तों हम आ गए हैं पानी पटाने, और देखिए पानी भी सुझा दिए हैं और इस तरफ पूरा मेला सुझा दिए हैं। कहा कि दोस्तों इस तरह पानी पटेगा तो काफ़ी ज़्यादा हाल रहेगा, और अंदर में पानी फोड़ने के लिए नहीं होता है, इसलिए पूरा मेला सजा दिए हैं, एकदम ऐसे ही पानी जाते रहेगा। तो देखिए यहाँ भी जा रहा है, अंदर भी जा रहा है, इसी तरह करके पूरा पांच झोरा है, पांच नाली है, पांच नाली एक ही बार पटते जाएगा उस तरफ। तो चलिए पूरा एकदम पटा लेते हैं। तो दोस्तों फाइनली मेरा पटा हो गया और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी हो गया, देखिए कैसा धूप है। और थोड़ा सा इधर नहीं पटा है तो जा रहे हैं अभी घर, और मोटर बंद कर देंगे थोड़ा टाइम के बाद। तो देखिए अब इधर पटी जाएगा, क्या मेला सजा दिए हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम घर, और देखिए मेरा मक्का कैसा है थोड़ा कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों मक्का का पानी पटा के थोड़ा घर में आराम कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा धूप था तो, और थोड़ा धूप कम हुआ तो अभी आ गए हैं पुती का यहाँ हाथ निकालने। देखिए साया पहन के निकाल रहे हैं। हाँ दोस्तों देखिए साड़ी पहनने के बाद फिर से साया पहन ली है मम्मी और खुशी मम्मी। हाँ दोस्तों साड़ी सब में होता है कि जो कच्चू है कच्चू का दगा मतलब लटक जाएगा, इसमें ब्लैक ब्लैक हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पहन ली है। और अभी देखिए निकाल रही है पूरा, और हम खुशी को लेके हैं अभी, और खुशी भी बहुत छटपटा रही है कि भी निकालेगी क्या, तुम भी निकालेगी खुशी? तुम पुती निकाल रही है तुरी। तो चलिए दोस्तों यही वाला निकालते हैं फटाफट। तो दोस्तों देखिए इतना सा इधर निकाल लिए हैं, और मम्मी अभी बोल रही है कि गैया बच्चा उधर खूटे हुए हैं, तो बोल रही है जाके थोड़ा पानी पिलाइए और वहाँ से थोड़ा दूसरे जगह खूट देंगे, कहा कि वो उन लोग को खूटे हैं वहाँ तो वहाँ का सारा घास खत्म हो गया होगा, तो दूसरी जगह खूट देंगे तो उधर अब चरेगी अच्छा से। तो चलिए अभी हम खुशी को लेके चलते हैं घर, आ जा आ जा चलो। तो चलिए दोस्तों अब लेके चलते हैं घर, आ जा रे बाबा आ जा। तो चलिए दोस्तों अभी घर चलते हैं, और वहाँ से बाल्टी ले आएंगे और बाल्टी से पानी पिलाएंगे। तो घर आ गए हैं दोस्तों, और देखिए अब बाल्टी भी ले लिए हैं, और खुशी अभी दादी के पास रहेगी तो अभी दादी पानी पिला रही खुशी को। तो चलिए अब हम गाय और बच्चा को पानी पिलाएंगे, पौधे से ही पानी ले लेंगे एक बाल्टी। ये देखिए मेरा बाल्टी भी फुल हो गया, तो चलिए अब लेके चलते हैं। तो चलिए दे देते हैं पीने के लिए, रुक 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 आराम से के पियो। तो देखिए दोस्तों अब कड़ी बीच में रह गया, दोनों अब पीने लगा ऐसा कि देखिए लग रहा है कि एक बाल्टी नहीं होगा, दो तीन बाल्टी लाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा पी रही है कि बाल्टी ना तोड़ दे। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्यासा था, तो चलो अब गैया तो अभी हट गई है और बच्चा को पिला रही है, तो इन लोग पीने के चक्कर में देखिए पानी ही हेट दिए। रुको रुको तुमको बाद में पिलाएंगे, रुको 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 बाद में पिलाएंगे, रुको 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 सिंगल सिंगल पियो। तो काफ़ी ज़्यादा प्यासे थी दोस्तों, तो चलिए अब मेरा बाल्टी भी ख़त्म हो गया, तो फिर लाते हैं। तो देखिए दोस्तों पूरा पानी पी गई, फिर से जाके लाते हैं एकदम। तो दोस्तों देखिए अब दो बाल्टी मिलाए हैं, तो एक बाल्टी को गई आधा की, और अभी ये हम नहीं पिएगी, और वो भी आधा की और नहीं पिएगी, तो बस इन लोग का प्यास अब ख़त्म हो गया। तो अब सोच रहे हैं कि यहाँ से दूसरे तरफ ले जाएंगे, वहाँ टमाटर लगाए थे वहाँ पर खुड़ देंगे, तो चलिए पहले वहीं ले चलते हैं। तो देखिए ये सबर है, इसी में खुद के रास्ते थे, तो इसको अब उखाड़ दिए हैं, अब चलते हैं उधर नीचे ले चलते हैं। ओह 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 आ जाओ। तो देखिए गैया बच्चा सब आ रही है नीचे,
चलो नीचे चलो नीचे आओ चलो। तो दोस्तों मेरा गैया बच्चा सब बहुत ही सीधा है, जिधर करते हैं उधर ही चली जाती है। तो चलिए पहले नीचे कूदते हैं, यहाँ काफ़ी ज़्यादा घास है, देख सकते हैं कितना घास है, एकदम पूरा एकदम लहलहाता एकदम पूरा बड़ा बड़ा है। तो चलिए यहीं पे कूदते हैं, बच्चा और गैया को कूद दिए और देखिए कितना ही अच्छा से एकदम चर रही है। तो दोस्तों अभी हम आ गए घर और देखिए दादी अब बकरी चराने जाएगी, तो बकरी सबको बोल रही है कि उधर थोड़ा पहुँचा दो, क्या कि दौड़ दौड़ के महुआ का पेड़ के सामने आती है। और खुशी को देखिए अभी नीचे बैठा दिए हैं, तो खुशी यहीं पर खेलना है ना, हम आ रहे खोलो। तो देखिए अब दादी वहाँ गेट खोल रही है, अब इधर से हम ले जाएंगे, तो रास्ते में थोड़ा दौड़ती है इसलिए जाते हैं। चलो 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 चलो। तो देखिए दोस्तों इतना सारा हम लोग का बकरी है, तो अभी दादी ही जा रही है जंगल की तरफ देखने। तो देखिए अब निकला दी है यहाँ से, तो देखिए अभी ले जा रहे हैं आगे आगे, हम पीछे पीछे खेत दे रहे हैं। तो दोस्तों दादी को बकरी सुधा के खुशी को सुला के अभी हम आ गए हैं फिर पुत्ती बारी, और यहीं पे अब घास निकालेंगे। तो जैसे जैसे शाम हो रहा है तो थोड़ा निकालने में अच्छा लगेगा, तो चलिए अभी निकालेंगे, क्या मम्मी सब देखते उधर निकाल के अभी यहाँ तक आ गई है, तो चलिए अब हम भी इधर निकालेंगे। वैसे निकाल रहा है बहुत ही अच्छा, ये सब गैया सब नहीं खाएगी, वो घर पड़ते। तो दोस्तों सोच रहे हैं कि अगर धो के गाय सबको खिलाएंगे तो खाएगी ना, तो खा जाएगी। धो के खिलाएंगे तो इतना घास उखाड़ फेंक देंगे। तो चलिए दोस्तों अभी निकालते हैं एकदम फटाफट। तो दोस्तों देखिए अब मुकेश भी आ गया है, अब तीन चार आदमी निकालेंगे तो फटाफट हो जाएगा। और इधर देखिए दोस्तों अब बकरी भी किधर किधर से दौड़ दौड़ के आ गई इधर, और दादी का तो अभी आते पते नहीं है कि दादी किधर है। तो दादी को छोड़ के एकदम बकरी सब आ गई है इधर, और इधर कितना मज़े में अभी चल रही है। देखिए अब देखते हैं दादी कब तक आती है। तो चलिए इधर बकरी भी देखते जाएंगे, उसके बाद इधर घास भी निकालेंगे। अभी दादी उधर जंगल की ओर ले गई थी, और उधर से किधर से आ गई बकरी घर की तरफ, और दादी लग रहा है कि जंगल में ही भटक रही है क्या, तो पता नहीं, नहीं तो आती होगी धीरे धीरे। तो चलिए दोस्तों और भी निकालते हैं। तो दोस्तों अभी हम घर आए थे, खुशी उठ गई थी, तो और अभी खुशी को ही खिलाएंगे, और मुकेश और मम्मी और खुशी मम्मी सब उधर निकाल रही है। हाँ भूख लग गया है, अच्छा नहीं लगा है, तो लग रहा है दोस्तों इसका भूख लग गया है इसीलिए ये चिल्ला रही है। तो चलिए पहले खुशी को खुशी मम्मी के पास छोड़ते हैं, उसके बाद इधर बकरी चराएंगे। अभी तक तो दादी अभी आई नहीं है, आती होगी धीरे धीरे, पता नहीं वो उसको लगा होगा कि शायद बकरी सब गुम हो गई है, तो वो ढूँढ रही है क्या। तो पहले चलिए पहले खुशी को पहुँचाते हैं। भूख लग गया खुशी, भूख लग कौन है खुशी, देखो ना है कौन है, चलो लो भूख लग गया है इसको, सोको उठ गया बेटा, हाँ उठ गई। तो दोस्तों खुशी और हम अभी बकरी देखिए चरा रहे हैं, और अभी शाम भी हो रहा है और सूरज भी ढल गया, और अभी मुकेश और खुशी मम्मी और मम्मी अभी उधर निकाते ही है, और इसको अभी दूध पिलाए और फिर इसको भूख लग गया तो फिर खिनखिना रही है देखिए। तो चलिए अब बकरी सबको घर ले चलते हैं, वैसे अभी चर रही है बहुत मस्त में, तो अभी छोड़ देते हैं थोड़ा देर के बाद और ले जाएंगे। तो दोस्तों अभी बकरी ले आए हैं, अब चलिए बकरी सबको अंदर कर देते हैं, देखिए खुशी अभी खेल रही है, तो बकरी सबको अंदर कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा गर्मी लग रहा है हमको ज़्यादा, तो चलेंगे नहाने, तो पहले अंदर कर लेते हैं। हाँ चलो चलो। तो दोस्तों बकरी घुसा के चल गए थे नहाने, और नहा के अभी आए हैं, और अभी यहाँ देखिए मेरे धर्म पत्नी जी क्या बना रही है, तो क्या है जी सूजी है। हाँ दोस्तों देखिए अभी सूजी भूंज रही है, और चावल, चावल आज नहीं बनेगा, आज चावल नहीं बनेगा। तो दोस्तों आज चावल नहीं बनेगा तो ये वाला हम सभी का होगा, सुबह का है चावल, सुबह का है तो हाँ। मारा भात तो दोस्तों सुबह का ही मार भात मचा हुआ है, इसलिए बोल रही कि यही सूजी भून देंगे और यही वाला भूंजेंगे और यही वाला खाएंगे। वैसे हम लोग इसको मोहन भाई को बोलते हैं, मोहन भाई या तो हलवा, ये सूजी का हलवा है देखिए, ये हलवा बना दी और यही वाला आधा खाएंगे, और जो दिन का भात है वही वाला खाएंगे। तो बन गया ना जी? हाँ बन गया। तो चलिए दोस्तों अब बन गया है, यही वाला खाएंगे, एकदम पूरा मज़ा लगाएगा, क्योंकि हलवा तो खाते ही रहते हैं, गाजर का भी हलवा खाए थे, लेकिन ये वाला सूजी वाला हलवा आज खाएंगे। तो चलिए वही दिखाएंगे।
तो दोस्तों देखिए अब गाजर का हलवा ले लिए हैं। गाजर का हलवा, सॉरी दोस्तों गाजर का हलवा नहीं, सूजी का हलवा, हमको याद आ गया पहले वाला दिन का। तो देखिए सूजी का हलवा ले लिए हैं और देखिए यहाँ खुशी मम्मी भी लेके खा रही है इधर। हाँ। और दादी भी यहाँ लेके देखिए खा गई। तो दादी कैसा लगा सूजी का हलवा? स्वाद लगा एगो, सूजी लाए तो स्वाद लगा। हाँ तो दादी को भी स्वाद लगा दोस्तों। तो चलिए अब खाते हैं इसको और आप लोग भी आइए और खाइए। हाँ हाँ देखिए अभी हलवा खाते खाते अभी मार भात भी खा रहे थे। तो देखिए सिर्फ भात अभी खा लिए हैं, थोड़ा सा और बचा हुआ है। और इधर खुशी को लेकर खुशी की मम्मी अभी बैठी हुई है, खुशी भी सो गई। तो जाइए सुला दिए है ना। तो चलिए दोस्तों जो भी बचा है उसको अभी हम खाते हैं। अभी दोस्तों प्याज एक दी थी और मार भात, तो प्याज खा के ख़त्म कर दी और बस मार भात है। दोस्तों हम लोग खाना पीना खा लिए और आप लोग देखबे किए कि हम लोग का आज क्या खाना था। तो देखबे किए आज हलवा खाई और दिन का ही भात था मारा भात, तो वही खाए। तो खाना तो हम लोग खा लिए, खुशी की मम्मी भी खा ली और हम भी खा लिए और बाकी के हाँ सभी को खा लिए। अब चलते हैं आराम करेंगे, क्या कि दिन भर तो देखबे किए जो जो काम किए सब दिखाए ही। तो चलिए आज का ब्लॉग को हम लोग यहीं पे रखते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ दोस्तों चैनल में जो भी नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।